दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सुस्ती के किस्से हजार हैं। इसी का जीता जागता नमूना एक बार फिर सामने आया है। दिल्ली के नीति आयोग के पास डीटीसी की खराब हो गई एक बस, घंटों तक ऐसे ही पड़ी रही लेकिन इसकी सुध किसी ने नहीं ली। डीटीसी का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। कई घंटे बीत गए लेकिन मजाल है कि विभाग का कोई भी संबंधित कर्मचारी नीति आयोग के पास पहुंचा हो और डीटीसी के खराब बस की सुध ली हो। ऐसे में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करके हालात को लोगों के सामने रखा, एक वीडियो भी अटैच किया। इस ट्वीट को मनोज तिवारी ने के एपीएन ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया है। मनोज तिवारी ने लिखा है कि ये डीटीसी की बस नीति आयोग के सामने ब्रेक डाउन हो गई, घंटों बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी, इस बस को हटवाइए।